करनाल के घरोंडा टोल प्लाजा पर चल रहे किसान आंदोलन में आज शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह की जयंती के अवसर पर भूख हड़ताल की गई। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन शोक शक्ति की ओर से लोक शक्ति किसान यूनियन के नेता महेंद्र राठी के नेतृत्व में लगभग 10 लोगों द्वारा भूख हड़ताल की गई है। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के नेता महेंद्र सिंह राठी ने कहा कि आज हमारी ओर से भूख हड़ताल में हिस्सा लिया गया है और शहीद ए आजम भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह द्वारा जो किसानों के हितों के लिए कार्य किए थे उनको याद किया गया। इस अवसर पर महेंद्र राठी ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के साथ ज्यादती कर रही है और उनके ऊपर जबरदस्ती काले कानून थोप रही है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि जो किसान आंदोलन के समर्थन में अपनी गेहूं की फसल को नष्ट कर रहे हैं वह ना करे, क्योंकि अन्नदाता देश का पेट भरता है। इसीलिए भावनाओं में बहकर अपने खेत में पैदा हुई फसल को नष्ट ना करें। गौरतलब है कि पिछले 3 महीने से भी ज्यादा समय से किसान दिल्ली बॉर्डर पर कृषि के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए काले कानूनों को वापस लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और वहीं डटे हुए हैं। वहीं करनाल के समीप टोल प्लाजा पर भी लगातार आंदोलन जारी है। टोल प्लाजा के आंदोलन को समर्थन देने के लिए भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की ओर से आज भूख हड़ताल में शामिल होकर अपना समर्थन दिया गया। बताते चले कि लोक शक्ति भारतीय किसान यूनियन के अन्य पदाधिकारियों ने भूख हड़ताल में शामिल होकर टोल प्लाजा पर चल रहे आंदोलन को समर्थन दिया है। टोल प्लाजा पर चल रहे आंदोलन को विभिन्न संस्थाओं के अलावा विभिन्न किसान यूनियनों के संगठन भी पहुंचकर अपना समर्थन दे रहे हैं। इसी कड़ी में लोक शक्ति भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने आज भूख हड़ताल पर बैठकर केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। टोल प्लाजा के 6वें दिन भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारी आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हम उन्हें से सीधी बात करवाते हैं। हाँ जी, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आप बैठे हैं, दो मिनट है ना, उसको बंद कर दे। मैं महेंद्र राठी, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति हरियाणा प्रदेश प्रभारी। यहाँ आज हमारे पूरे प्रदेश के अधिकारी आए हुए हैं और हड़ताल पे बैठे हैं। हम तीन काले कानूनों के विरोध में ही यहाँ पे हड़ताल पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पे। और हमारे कुछ कार्यकर्ता यहाँ सामने मंच के सामने बैठे हैं, तो हमारी सरकार से ये मांग पहले भी है और आज फिर दोहरा रहे हैं कि तीनों काले कानून वापस हों, MSP गारंटी का कानून बने। आंदोलन में रत किसानों के ऊपर जो मुकदमे दायर किए गए हैं वो वापस हों, जो नोटिस दिए गए हैं वो वापस हों और किसान आयोग का गठन किया जाए। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। ऐसे ही भूख हड़ताल चलती रहेगी, किसान जीत के घर जाएगा, किसान वापस ऐसे नहीं जाएगा। आज भूख हड़ताल पे 10 लोग बैठे हैं, महिलाएं भी हमारे साथ। देखिए, मैं बलबीर नरवाल, हरियाणा प्रदेश संयोजक भारतीय किसान लोक शक्ति। बतौर संयोजक मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि एक तीनों काले कानून वापिस ले लो। अगर जनता का भला चाहते हो, जनता की भलाई चाहते हो, देश की एकता को चाहते हो और धर्म और जाति में ना बांटे देश को, और किसान हर वर्ग में है, ये किसान आपकी जड़ें हिला देगा। मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ। जमुनानगर किसान यूनियन लोक शक्ति से जिले की अध्यक्ष हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ, जो अपने काले कानून है वो अपना ले लें वापिस, तो ज्यादा धन्यवाद होगा। यानी किसान तो ऐसे ही रूलेंगे, किसान तो आज भी बैठे हैं और कल भी बैठे हैं, किसान जरूर बैठेंगे। और जो हमारे भाई चले गए हैं किसान, उनके लिए क्या होगा? वो चले गए जो, क्या वो वापिस कर देंगे? जो जिनके पीछे बच्चे रुल रहे हैं क्या वो दे पाएंगे? बिल्कुल उनको नहीं दे पाएंगे। मैं यही कहती हूँ कि हमारे भाइयों का, किसानों का जो हक है वो दो। जो हमारे भाई यहाँ से चले गए हैं, शहीद हो गए हैं, उनके बच्चों के बारे में सोचो, आम पब्लिक के बारे में सोचो, जो 4 महीने से बैठे हैं किसान उनके बारे में सोचो। हमारा हक हमें चाहिए किसानों को,
बस और कुछ नहीं, हमारे तीनों कानून वापस करो। योगेंद्र चौहान भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से राष्ट्रीय सचिव हूँ। हम आज भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के सभी मेंबर यमुनानगर से भी आए हैं, करनाल से, सारे हरियाणा से यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं किसानों के समर्थन में। जब तक ये किसान काले कानून सरकार इनको वापस नहीं ले लेती और जो MSP है उसकी गारंटी नहीं देती, तब तक ये इसी तरह आंदोलन चलता रहेगा। और किसान किसानों के लिए मैं सशक्त नमन करता हूँ जिन्होंने इस आंदोलन को, अब तीसरा महीना भी खत्म होने जा रहा है, इतना लंबा, पहला भारत का या किसी भी देश का सबसे लंबा आंदोलन है ये, तो इनके हौसला बजाई के मैं इनकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। मेरी तो, मैं मनवीर राणा हूँ, स्टेट उपाध्यक्ष हरियाणा हूँ। मेरी तो किसानों से यही अपील है कि एकता, मजदूर किसान एकता में ही ताकत है। और जो राजनीतिक दल है वो किसानों के जो है ना मनोबल में के बल से अपनी राजनीतिक रोटियां जो है सैकड़ी बंद कर दे। किसान यूनियन या किसान नेता जो भी है पूरे तय दिल से बॉर्डरों पर पड़े हैं, जिसमें मैं भी बॉर्डर पे जो है ना पूरे 15 दिन काटे हैं, हर बॉर्डर पे काटे हैं, मगर राजनीतिक दलों ने हमारी यूनियनों को अपना जो है ना फायदा उठाने के लिए अपनी रोटियां सेक लिए। प्लीज वो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि राजनीतिक दल हमारे किसान यूनियन को कमजोर मत करें, वरना किसानों का जो है ना विरोध जो है ना इन राजनीतिक पार्टियों का विनाश कर देगा। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू। मेरा उनसे ये अपील है कि उनका जो अंदर का रोष है वो व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी फसल जला दी। इस मंच के माध्यम से मैं उनको अपील करना चाहूँगा कि अपनी फसल ना जलाएं, उनका रोष मंच के माध्यम से सरकार तक पहुंचाया जा रहा है। तो चींटियां उसको खा जाती है, इसलिए मोदी जी। मैं सुरेश प्लाका, जिला अध्यक्ष किसान यूनियन लोक शक्ति से, हरियाणा यमुनानगर से। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि सरकार को, केंद्र सरकार को सोच लेना चाहिए कि किसानों के ऊपर इतने अत्याचार कर रही है, क्या उनके अच्छे दिन आए? ये अच्छे दिन नहीं है किसानों के ऊपर इतना अत्याचार करना। हम इसी आवाज के साथ खड़े हैं कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे तब तक वापस नहीं जाएंगे, हम वापस नहीं जाएंगे। हम केंद्र सरकार को भी आगाज कर, केंद्र सरकार को भी अपनी आवाज पहुँचाना चाहते हैं कि ये तीनों कानून वापस लिए जाए। यानी कि क्यों किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हो आप लोग? क्या अन्नदाता को इतना बुरा थोड़ी है आप इनके ऊपर अत्याचार कर रहे हो? अन्नदाता चलाने के लिए कभी अपनी जान की परवाह नहीं करता, कभी भी अपनी जान की परवाह नहीं करता, वो फसल को त्याग करता है। जो लोग सेवन स्टार होटलों में बैठ के चपातियां खाते हैं उनको पता ही नहीं रोटी कैसे पैदा की जाती है। उन्हीं लोगों ने एक कानून बनाया, उनको नहीं पता जमीन के बारे में क्या होती है, उन्हें देखे ही नहीं आगे कभी क्या कैसे गेहूँ पैदा होती है, कैसे चावल पैदा होता है, कैसे सब्जियां लगाई जाती है। वो लोग तो अपने पैसे के दम पे चल रहे हैं। केंद्र सरकार से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि केंद्र सरकार से यही प्रार्थना करूंगा कि इसको किन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, जल्द से जल्द वापस लिया जाए। धन्यवाद। जय हिंद। भारतीय किसान शक्ति जिंदाबाद। जय किसान, जय जवान, जय भारत माता। मास्टर सोराज सिंह जिंदाबाद। मास्टर सोराज सिंह जिंदाबाद। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।